सामान लगा देना। जाओ अंकल। सर मेरा नाम बाबू राव है, मैं नासिक का रहने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले ही अपने नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। पेंशन और प्रोविडेंट फंड के पैसों से मैंने एक घर खरीदा है। अपनी पूरी पूंजी लगा दी उस घर को खरीदने में। यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी के लिए जो कुछ जमा कर रखा था वो भी सब खत्म हो गया। जायदाद के नाम पर अगर अपने बच्चों को कुछ दे सकता हूँ तो बस वही एक घर है। लेकिन अब हमारे घर के बगल में लाली नाम का एक बिल्डर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है और उसके लिए उसे ज्यादा जमीन की जरूरत है और इसीलिए वो मेरा घर खाली करवा रहा है। अब इस उम्र में मैं बेघर होकर कहाँ जाऊंगा? ये लाले, किसी जमाने में वो छोटा मोटा टपोरी हुआ करता था। कुछ ही महीने पहले नासिक आके उसने रियल एस्टेट का धंधा शुरू किया। कृष्णा से कहो उसे नासिक में मिले और अच्छी तरह बात करके प्यार से समझाए, कोई खून खराबा ना करे। ओए, काली भाई ने कहा उसे सिर्फ बात करके समझाना है, इसे अंदर रख। भाई काली के कुछ पंटर आपसे मिलना चाहते हैं। डरता क्या को है, भेज लो का। नमस्ते सर। क्या काम है? काली भाई ने हमें भेजा है आपसे बात करने को। काली को अगर मेरे साथ धंधा करने का है तो उसको बोल खुद आके मेरे से बात करे, मैं उसे अच्छी जमीन दिखाऊंगा। सर वो बाबूराव बहुत सीधा साधा आदमी है, बेचारा टेंशन में है, उसे उसकी जमीन वापस दो और ये मामला यहीं रफा दफा करो। वो बुड्ढा इन कुत्तों के पास गया। सीधी बात है, वो बेचना चाहता है और मैं खरीदना चाहता हूँ, तो बीच में तू उंगली क्यों कर रहा है? तू जानता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है? तेरे काली जैसे 10 मेरे आगे पीछे घूमते हैं। रियल एस्टेट का असली बादशाह मैं हूँ, समझा दे तेरे कल्लू कल्लन कालिये को। यानी तुम उसे उसकी जमीन वापस नहीं करोगे? बहुत लंबा सफर तय करके आए हो ना, नीचे मेरे आदमी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। तुम भी जाओ खाना खाओ, आराम करो और निकल लो। खाना खाने नहीं आए, काम की बात करो। जब मेरा आराम करने का वक्त होता है तब मैं काम की बातें नहीं करता, और खासकर अपने से छोटे लोगों से। चलवाट, काली भाई ने बोला था इसलिए प्यार से बात की, अगर उन्होंने तुम्हारा गेम बजाने को बोला तो बात नहीं करेंगे, सीधा ठोक डालेंगे तेरे को। साले कमीने, मैंने जमीन मांगी तो तू काली के पास चला गया, अब अगर मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा तो तू किसके पास जाएगा? Ah!
कहा था ना तुझसे, काली भाई से पंगा मत लेना। अब निकल गई ना सारी हेकड़ी, अब तेरी मौत का ये तांडव देखने के बाद नरक में पहुंचकर तेरी रूह कांप उठेगी और कोई माई का लाल सपने में भी काली भाई के खिलाफ जाने की नहीं सोचेगा। तुम्हारा काम हो गया है, अब आराम से जिंदगी काटो बिना किसी डर के। आप तो देवता हैं। ये क्या है? मैं कोई देवता नहीं हूं। जाओ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। ये कहानी है मुंबई के ऐसे डॉन की, जो सही को इंसाफ और गलत को सजा देने की हिम्मत, जुर्रत और ताकत रखता था। वो गुनहगारों के लिए भक्षक और गरीब बेसहारों का मसीहा। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते। अच्छे कैसे हैं? ठीक है भाई। कैसे हैं भाई? क्या बात है विजय भाई, क्यों क्या हुआ? तूने तो उस लाली को दौड़ा दौड़ा के धो डाला। अगर तू वहाँ उस दिन होता ना तो तुझे भी उसे चाकू मारने का मौका जरूर देता। अरे कृष्णा, बहुत दिनों बाद दिखा तू। आ बैठ। भाई किधर है? किससे बात कर रहे हैं? तूने जिस लाली का गेम बजाया ना, उसी का चाचा सागर दिमाग खा रहा है। बोलो सागर। काली, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? लाली मेरा भतीजा था, मैं ही उसे यहाँ नासिक लेकर आया था ताकि उसे मैं बिल्डिंग लाइन में घुसाकर अपने सारे काले पैसे को सफेद बना सकूं। तुम्हारे आदमियों ने बिना किसी वजह के मेरे भतीजे को मार डाला। मुंबई में कोई भी किसी को बिना किसी बात के नहीं मारता, और यह तना अच्छी तरह मालूम है। उसके साथ अगर तुम्हारा कोई पंगा था तो मुझे बता दे। अगर एक बार तुमने मुझे बताया होता ना काली, तो मैं उसे अपने तरीके से समझाता। हालात काबू से बाहर हो गए थे। वैसे भी किसी को मारने के लिए मन में किसी की इजाजत की जरूरत ना है। फिजूल में अपना माथा खराब ना कर, जो होया उसने भूल जा। आप जानते हैं, विजय को मैं कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। इलेक्शन का नाम सुनते ही कॉलेज से दुम दबाकर भाग जाता था, और आज देखिए, इसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े पॉलिटिशियन भी भाग खड़े होते हैं। क्या कृष्णा, हमें कभी ये कॉलेज वाली बात नहीं बताई? जरा पापड़ तो दे। ए कृष्णा, लाली को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसने बोला था तुझे उसे मारने के लिए? मैं उसे इतने सालों से अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा था, पर इसने जाके उसे मार डाला बिना किसी से इजाजत लिए। क्यों मारा उसे? ए! अरे उसे मारने का मैंने कहा था। हमें ताकत बढ़ाने के लिए किसी के साथ की जरूरत ना है। हमारे साथ होने से किसी की ताकत जरूर बढ़ जाती है। अब चुपचाप भीतर जा। भैया आपने इसे सिर पे जा। ये पता कब अक्कल आएगी इसने। हम चलते हैं भाई। कहाँ जा रहे हो? लड़की वाले आज इसे घर पर देखने आ रहे हैं। बात पक्की होगी तो जल्दी ही शादी कर देंगे। ए, थारा छोटा भाई किधर है? सुन शिवा। हाँ भैया। कहाँ है तू? मैं इस वक्त बाहर हूँ। तेरी भाभी ने कहा कि आते वक्त बाजार से मिठाई लेते आना, अपनी मस्ती में भूल मत जाना। ले आऊंगा भैया। नमस्ते बाबू।
पहचाना नहीं, ये विजय कृष्णा है। बैठिए बैठिए। यही सबसे बड़ा भाई है, अपने शहर के देवता है ना काली भाई, यूं समझ लीजिए ये उनके राइट हैंड है। किसको कब टपकाना है, टपकाने के बाद कहां सलटाना है, ये सब करने में बड़े माहिर हैं ये। आने में इतनी देर कर दी, कहा भी था जल्दी आना, पर तुम मानती नहीं हो। ए, तुम्हारी तरह शॉपिंग करने बाजार नहीं गया था मैं, एक बड़े आदमी का खून करके आ रहा हूँ। मामला निपटाने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। वो लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ ठीक है, ये शांति ने तुम्हारे लिए भेजा है। नमस्ते बाबू। अरे ये जय कृष्णा, होने वाला दूल्हा यही है। नमस्ते नमस्ते। चाय कॉफी लिया आपने? हाँ, खत्म भी हो गई। आप लोग बैठिए ना। ये ना काली भाई का लेफ्ट हैंड है, विजय के बाद इसी का नंबर आता है। अगर किसी की मुंडी काटनी हो तो वो काम इसी को मिलता है। डरिए मत डरिए मत, आप लोग बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। नमस्ते बाबू। अरे ये सबसे छोटा भाई शिव कृष्णा है। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। कॉलेज में पढ़ता है, अभी तक शादी नहीं हुई, बैचलर है। आपके भाई जय की शादी तो पक्की हो गई, आपके लिए भी ढूंढें? उसकी जरूरत नहीं है, कमिश्नर की बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका रिश्ता तो गया। शादी के लिए कौन सी तारीख तय करनी है? आप जिस दिन कहें, जहां कहें, हम लड़की को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको पंडित जी से बात करके बताता हूँ, चलेगा? ठीक है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। चलो चलो चलो, रिश्ता हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। छोटे लड़की का नाम तो बता। गीतांजलि। अरे त्याचा मर्डर तो पब्लिक के सामने हुआ और तुमने कुछ नहीं देखा? ए येड़ा किसको समझ रहा है, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि खून किसने किया है। अरे मैं कोई रास्ते पर का हवालदार नहीं हूँ, तू बोल रहा है और मैं विश्वास करूँ? देख वहाँ जो भी हाजिर था उसको फौरन पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके आ, समझा क्या? ये लोग पुलिस वालों का नाम खराब करते हैं। बाय डैड। गीता। जी डैड। तुम्हारे कॉलेज में शिवा नाम का एक लड़का है, वो कैसा है? शिवा? कौन है वो? अरे वो गुंडा है ना, विजय कृष्णा, उसका छोटा भाई, वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, तुम जानती हो उसे? मैंने अपने दोस्तों से उसके बारे में सुना तो है, पर उसे देखा नहीं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं अभी नहीं, लेकिन वो और उसका बड़ा भाई विजय कृष्णा कॉलेज के आसपास कहीं गड़बड़ करते हुए दिखे ना, तो ताबड़तोप मुझे बता देना। देखिए डैडी, मैं आपको याद दिला दूं कि आपने कॉलेज की फीस मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए भरी है, कॉलेज में जाकर जासूसी करने के लिए नहीं। चलती हूँ। तुम खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते हो? मेरा फोन काट रहे हो, एसएमएस का भी जवाब नहीं दिया। छह, एक तो जब देखो सिगरेट पीता रहता है। क्यों, अपने भाई की तरह गुंडा बनना है? ए, खबरदार मेरे भैया को गुंडा कहा तो। अच्छा, तो एक आदमी जो सरेआम किसी को जान से मार डाले उसे देवता कहकर पुकारूं? जाकर देखो, शहर में लोग उनकी पूजा करते हैं। हेलो, अगर मेरे डैड को हमारे चक्कर का पता चला ना तो वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। मेरे भैया लोगों की भलाई के लिए सब करते हैं वो। शिवा स्वामी जी, मेरे डैड के लेक्चर से पहले ही मेरा दिमाग पूरी तरह से सड़ चुका है, अगर तुम भी शुरू हो गए ना तो ये भेजा फ्राई हो जाएगा। एक नई फिल्म रिलीज हुई है, देखने का बहुत मन कर रहा है, कुछ जुगाड़ लगा के बस दो टिकट का इंतजाम करो ना सोना, दोनों मजे करेंगे कॉर्नर सीट में। शिवा, यहाँ तो बहुत भीड़ है, मुझे नहीं लगता टिकट मिल पाएगी। जाके कह दो तुम्हारा बात कमिश्नर है, पूरा हॉल खाली हो जाएगा। ए, ए शिवा, हम लोग लाइन में घुस तो गए थे लेकिन टिकट ही नहीं मिला। यार तू भी कुछ जुगाड़ लगा ना प्लीज। अरे मुझे कोई टिकट नहीं मिल रही है, तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊं? बेटा नमस्ते। बेटा नमस्ते। मैडम बेटा, आपके कहने पर हमने पूरे का पूरा थिएटर बुक करा। अच्छा, मेरे इन फ्रेंड्स के लिए भी? अरे ये लोग तो किसी और दिन फिल्म देख लेंगे, ये भी ठीक है, फुल एंजॉय करो। इसलिए तो आया हूं, ठंडा लगे इसलिए चादर भिजवा दो। मेरा काम हो गया, अरे चलो 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 हटो, अरे नहीं जाने दो, चलो हटो। क्या ठाट है तुम्हारी, और एक मेरे डैड, उनका नाम सुन के कोई फ्री में एक कप कॉफी भी ना पिलाए। आए गोपी, यहाँ आवा। क्या हुआ बे? बे, पैसे मांगते वक्त तो बड़े आप करके बात कर रहा था, अब सीधे तू बे पे आ गया, साला मक्खी चूस। अरे बाप रे, इससे भी पैसा लिया था।
सुनो मुरारी सीमेंट वाले, हम भी भूल गया, हमारा नाम गजोदर मिश्रा है, ये सीमेंट वाला कौन है? समझाता हूँ, जब भी कोई तुमसे पान लेने आता है तुम पान में सुपारी गुलकंद डालते होगे ना? सही कहा। पान में चूना भी लगाते होगे। चूना का इंग्लिश नाम बताओ तुम्हें। हाँ बताओ, व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट, ये तो बम्बूजा के लेवल का नाम लागत है। पेट में रखोगे तो एक बात बताऊं, मुहूर्त निकलवाऊं। लाली का खून कैसे हुआ पता है? बिल्कुल सफा चट। ये सब मेरे दिमाग का कमाल है। पर ये काम तो काली का था। उसने तो हुक्म दिया था। असली मेहनत तो मेरे हाथों की थी। लेकिन कैसे? मारने की भी प्लानिंग होती है, रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो कहाँ जाता है, कब लौट के आता है, फैमिली साथ रहती है या कहीं दूर, ये सब पता करने के बाद उसकी मौत का डेट, जगह, दिन और टाइम फिक्स करना पड़ता है, और ये सब मैं स्केच बना के करता हूँ। कई भैंसुआ पानी में, हम तो सुने थे कि बच्चे रंगों से स्केच बनाते हैं, पर ये तो खुद से बनावट है। पान वाले के लिए जरूरी है पान का पत्ता। हाँ। दर्जी के लिए सबसे जरूरी कैंची। सही कहा। और एक स्केच बनाने वाले के लिए ये पेन नहीं, हाँ। चलो 500 रुपए दो। अरे 500 रुपए देने नहीं, 500 रुपए तेरी उधारी बनती है। क्या रे, एड़ा समझता है? नहीं सर जी, तेरा स्केच बनाओ सर जी। अरे वापस कब लौटाओगे? अभी एक स्केच बनाया है, हाँ। उसकी पेमेंट मिलते ही लौटा दूंगा। कुछ भी हो हमारा स्केच। नमस्ते काली भाई। सर जी हाँ, काली भी नहीं, ई भी नहीं। नमस्ते भाई। क्या हाल है हीरो? सब ठीक है भाई। हाँ। ए शिवा, आज यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा। एक बात बता, ये बाहर कार किसकी खड़ी हुई है? किसी पार्टी लीडर की है, दिल्ली से आया भाई से मिलने के लिए, मीटिंग चल रही है, ऊपर जाना मना है। तो मैं ये कह रहा था काली भाई, मैंने सारे हाई कमांड को तो पटा लिया है, बस आपकी एक हाँ का इंतजार है, उसके बाद सारा मामला अपने आप मस्के की तरह निपट जाएगा। मैं राजनीति में पढ़ के क्या करूंगा भाई, इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? ओ पिस्तौल, हमें आप जैसे लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, पार्टी को भी आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, आज की पॉलिटिक्स में ये बहुत जरूरी है काली भाई, इसमें आपका भी फायदा होगा। मैं फोन लगाता हूँ, आप बस फोन में एक बार हाँ कह दीजिए, फिर उस तरफ से एक आदमी प्यार से वेलकम करेगा, उसके वेलकम कहने पर हम एक बड़ी सी मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के बाद सारा जिला जैसे डर के मारे कांप उठेगा, देखिएगा भाई, और मैं खुद आपका पॉलिटिक्स की दुनिया में स्वागत करके उसके दाव पेच सिखाऊंगा, क्या कहते हैं भाई? देखो रमन जी, कहिए। वो क्या है कि लोग मेरी ताकत की वजह से आते हैं, अब अगर मैं उनसे जाके कहूं कि तुम मेरी ताकत हो तो फिर उनका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। लोगों की मदद करने के लिए मैं हथियार भी उठा सकता हूं, सारे नेता चोर होते हैं, कोई भी देश की सेवा ना करता, इसलिए मन कोई शौक ना है नेता बनने का, अब जा यहां से। पर भाई मेरी बात तो सुनिए। जा हां, निकल। बाहर आओ। क्या रे सर, मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था? अगर मेरी पार्टी को पता चला कि तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है तो पार्टी में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। रहने दो, एक बात अच्छी तरह जान लो, कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारा भाई कभी भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखने वाला, और कम से कम इस जन्म में तो तुम कभी भी विजय कृष्णा जितने ताकतवर नहीं हो पाओगे। एक काम करो, यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। पर सर, एक बार भैया से फिर से बात करके देख लो ना। पागल हो क्या? मेरा दिमाग सही है, मैं अगर दोबारा गया तो वो सीधे मुझे गोली मार देगा और फिर राशन कार्ड से मेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। एक काम करो, या तो पार्टी दूसरी ढूंढो या भाई। चलता हूँ। वो ऐसा बोला कि आप अंदर मीटिंग में हैं। वो फालतू की मीटिंग है। शिवा क्या है ये? आप दोनों को मेरे भाई की शादी में आना है। तन्ने क्या लग रहा है, तू मेरे बिना ये शादी कर भी पावेगा? रशिवा
थारी गर्लफ्रेंड कैसी है? भाई आप कैसे जानते हो? थारा भाई मुझसे कुछ भी ना छुपाता। उसने भी शादी में बुला लेना। जरूर बुलाऊंगा। हमने मिलना उसे। ठीक है? ठीक है भाई। रुक, तैने रमन को यहाँ बुलाया था ना? बच्चा बच्चा जानता है कि कितना खटिया आदमी है वो, पर थारे दिमाग में तो भूसा भर गया है। देख इस कृष्णा को, देख इसकी तरह बन तू। बहुत तो बड़े बड़े नेताओं को जानता है ये, पर आज तक किसी को भी घर में ना लेके आया। शांत हा? अपनी मनमानी करना छोड़, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। जा। मैं उसे समझाऊंगा ना, शांत हो जाओ। सुनो। हाँ भाई। मेरे भाई की शादी में टाइम पर पहुंच जाना। आएंगे, आएंगे ना भाई। हेलो कार्ड, चलता हूँ। भैया ये शंकर आपसे इतना चिढ़ता क्यों है? काले भाई मुझे चाहते हैं और ये बात शंकर को पसंद नहीं। वो सिर्फ नाम के लिए उनका भाई है, दिमाग के मामले में वो उनके आसपास भी नहीं है। हर बार गलत फैसले लेता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही है। जानते हो अब क्या है? अब वो चाहता है कि काली भाई पॉलिटिक्स में घुस जाए, जिसके लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ का सारा काम वो संभालेगा। वैसे भैया काली भाई को ये पता है? काले भाई शंकर को अच्छी तरह पहचानते हैं, पर वो उसे कुछ नहीं बोलते। छोड़ो शिवा, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई का सोचो। समझ गए? नमस्ते। 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 आइए। हेलो भाई, निकल गए? ओके। शिवा। जी भैया। तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? भाई यहाँ आने वाले हैं। भैया निकल तो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई। नमस्ते आंटी। आइए आइए। नमस्ते बड़े भैया। Oh!
भाई कृष्णा सुन, एक 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 न मारना, तुमने कसम सब खत्म हो गया तुम्हारा और उसका क्या संबंध है? क्या कर रही थी तुम उस शादी में? किसने बुलाया था तुम्हें उधर? वो क्या है ना, शिवानी मुझे इनवाइट किया था डैडी। शिव कृष्णा, पर उस दिन पूछा तो बोल रही थी जानते भी नहीं उसको। जान पहचान उसकी बात हुई। सुनो गीता, तुम एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, ऐसे लोगों के साथ घूमने से तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, माजा नाव खराब हुई। हे बग, एक बात समझ लो, अगर मुझे तुम उसके साथ फिर से दिखी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। गेट आउट, चल जा, था झूठ बोलती मेरे से। मुझे शर्म आती है तुझे अपना छोटा भाई कहने में। किसी काम का ना है तू, गधा है, नालायक है तू, जादू मत। नमस्कार शंकर बाबू। आओ आओ वकील, बैठो। ये काम किसी एक इंसान का है ऐसा मुझे नहीं लगता, किसी गैंग ने किया। ये शेवटी काली प्रसाद कोई आलतू फालतू इंसान नहीं थे। उनकी मौत के बाद शहर में जो लफड़े चालू हो गए हैं, पहले उनको निपटाऊंगा, फिर उनके कातिलों को जेल में डालूंगा और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उन सबका पर्दाफाश आप सबके सामने करूंगा। ओके भाई, आपके लिए फोन है। किसका? सागर राजू का। सागर राजू, अभी क्यों फोन किया? ज्यादा सोचो मत, बात करो। बोलो। ये सब कैसे हो गया शंकर? तुम्हारे बड़े भाई के आसपास इतने सारे लोगों के बावजूद कोई उसकी जान बचा नहीं पाया। आदमी चाहे कितना भी धनवान या बलवान क्यों ना हो, मौत के सामने उसकी एक नहीं चलती, वो उसके आगे घुटने टेक ही लेता है। अब अपने नए नेता विजय कृष्णा का अच्छी तरह ख्याल रखना शंकर। सब लोग अंदर आ जाओ। मेरे भैया को विजय कृष्णा के कहने पर बेरहमी से मारा गया। उन्हें शादी में बुलाया और वहां मरवा दिया ताकि किसी को उस पे शक ना हो। ये खबर पूरे शहर में फैल जानी चाहिए। अफवाह को इस तरह फैलाओ कि वो सच लगे। मेरे भाई ने जिस आदमी पे इतना भरोसा किया, उसी ने उसके पीठ में छुरा घोंप दिया। ये कहानी मुंबई के बच्चे बच्चे को सच लगनी चाहिए। चलो जाओ शंकर।
तुम जो कर रहे हो वो गलत है। विजय तुम्हारे भाई का खून कैसे करवा सकता है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे भाई का खून कैसे हुआ ये मैं शहर के लोगों को बताऊंगा। वहां एक एक आदमी विजय कृष्णा को गालियां देगा। सुन लिया ना? तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे भैया विजय को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। भैया तो मर चुके हैं और मेरा भेजा कर्म है। अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। यहां से जाओ, कहां ना जाओ। नमस्ते भाभी जी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। खुद को अकेला मत समझो शंकर। देखो विजय, जो हुआ उसे भूल जाओ। काली जी की मौत के लिए तुम उन्हें मारोगे और वो बदले में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर मुझे तुम सब लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस को कमजोर कभी मत समझना। मेरी गन गुंडों को मारने के लिए है, दिवाली के फटाकों के लिए नहीं। देखो, इस सोए हुए शेर को जगाने की गलती कभी मत करना। घुस रहा है क्या कुछ दिमाग में? शानपना किया तो ठोक दूंगा। देखिए सर, काली भाई आपके सामने मारे गए पर आप वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब हमें यहाँ बुलाकर वार्निंग दे रहे हैं। तुम पुलिस वालों का डर तो हमारे दिल से बहुत पहले निकल गया था। काली भाई के कातिल मरेंगे जरूर। या तो आप उन्हें पकड़ लें या फिर हम पकड़ेंगे। अगर आपने उन्हें हमसे पहले पकड़ा तो वो बच सकते हैं, और कहीं अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये बात फिक्स है। तुम लोग साले सुधरोगे नहीं। घास चढ़ने गया दिमाग तुम्हारा। तुमने तुम्हारे काली को मारा ऐसी अफवाह है, फिर भी मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन मेरी परीक्षा मत लेना। तुमने कंट्रोल खोया तो मुझे मामला कंट्रोल करना पड़ेगा। जाओ, चले जाओ नालायक। ऑल द बेस्ट सर। गोपी नहीं, स्केच गोपी को बालों में चमेली का तेल डाले होगा। काली की मौत के बाद उसके घर से बॉटल उठाई थी। उसकी मौत का भी स्केच तुम्ही ने बनाया था? किसी से कहा तो तुम्हारा भी स्केच बना दूंगा। हमरे भेजे में कुछ बात नहीं घुसा। पहले तुमने काली से पैसे लेके किसी और की मौत का स्केच बनाया था ना? पुलिस वाले, मिलिट्री वाले और स्केच बनाने वाले का ना कोई दोस्त है ना दुश्मन। हमारा एक ही उसूल है, पैसा लो स्केच बनाओ। स्केच पेन की माला डाल के काहे घूम रहे हो? हर स्केच पेन की कहानी है तो सुनाओ। अगर हर स्केच पेन से मैं स्केच करूं तो हाथ काट देता हूं। ओके। अगर काले वाले से स्केच करूं तो समझो आदमी की टांगे गई। और जब लाल स्केच पेन से स्केच करता हूं तो सर धड़ से अलग समझो। ओहो गोपी, तुम अपनी टैलेंटवा से ढेर सारा रुपया कमा सकते हो, फिर भी ये उधार के स्कूटर पे घूम रहे हो? स्कूटर मेरा है। तो चला कौन रहा था? मेरा ड्राइवर। स्कूटर चलाने के लिए भी ड्राइवर? स्केच करते वक्त अगर मैं स्कूटर चलाऊं और सामने से एक ट्रक मुझसे टकराए तो मेरा स्केच बिगड़ जाएगा। क्या हो चूचा रहे? ये छोड़ो और पूछो मैं यहाँ क्यों आया। क्यों आए हो? ये लो, लॉटरी लगी। असली है, एटीएम से निकाला है। गोपी, हमका तो हर मदद चाहिए। बोलो। एक आदमी हमका तंग कर रहा है, उका तू स्केच बना दो। ये एडवांस रख लो। ओके, बार बार फोन करके तंग मत करना, कंटिन्यूटी टूटती है। ओके। अब देखते हैं क्या करता है। ये क्या किया अंकल, उसे 500 रुपए वापस दे दिए। अरे
ये हर बार अपने डींगे हाँकते रहता है कि इसका स्केच हमने बनाया है, इसको मौत के घाट हमारे स्केच ने उतारा है। अगर ये बार इसकी बात गलत साबित हुई तो हम इसका दीवार में चुनवाई दे। वो कैसे? व्हाइट सीमेंट वाले। तो शंकर, तुम्हें क्या लगता है कि अपने भाई की मौत के बाद तुम बहुत बड़े डॉन बन गए हो? सुनने में ये आया है कि विजय कृष्णा ने कातिलों को ढूंढ कर सबके सामने मारने की कसम खाई है। अगर उसे पता चल गया कि तुमने अपने भाई को मरवाया, तुम बचोगे नहीं। किसने कहा कि मैंने अपने भाई को मारा है? मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। कौन क्या है, क्या कर सकता है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मुझे इतना नादान मत समझो। खैर, ये सब जाने दो शंकर, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस शहर में विजय कृष्णा का नेटवर्क बहुत ही कमाल का है, जानते हो? वो तुम्हारे भाई के दो कातिलों को ढूंढ के उन्हें मार तक चुका है। अगले कातिल को भी वो बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। अगर उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि काली को किसने मरवाया है और उसने बता दिया कि तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो, तो ये विजय कृष्णा दंदनाता हुआ तुम्हारे घर में घुस के बिना किसी सवाल जवाब के तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। उसे रोकने का कोई तरीका? देखो बेटा शंकर, तुमने जितने पटाखे फोड़े हैं मैंने उससे कहीं ज्यादा दिवालियां मनाई हैं। अगर तुम चाहते हो कि विजय कृष्णा के हाथ तुम्हारे गले से दूर रहें, तुम्हें खुद को उसकी पहुंच से काफी ऊपर उठाना होगा, और ये करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राजनीति। मुझे पॉलिटिक्स का कोई शौक नहीं। जिंदा रहने का तो है। आओ बैठो शंकर। सबसे पहले तुम्हें वर्कर्स और स्टूडेंट यूनियंस के साथ एक मीटिंग करनी होगी। उन्हें भरोसा दिलाना है कि उन्हें तुम्हारे साथ ये बहुत जरूरत है। उन्हें धमका के नहीं बल्कि दिल जीत के अपनी तरफ करो। तुम खुद उन सब की ताकत बनो। और अब बताता हूं आगे का प्लान। धर्म के नाम पर प्रांत को ढाल बना के हम जनता को उकसाएंगे, और इसके लिए हमें शहर की 25-30 बसों को तोड़ना होगा। कम से कम 100 दुकानों में आग लगानी होगी। इससे शहर में दंगे शुरू हो जाएंगे और फिर तुम्हें सारी जनता का प्रतिनिधि बनकर अकेले इस सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इससे दूसरे दलों और मेरी पार्टी ऑफिस में खलबली मच जाएगी, और फिर बैठे बिठाए तुम्हारे हाथों में ताकत आ जाएगी। इस तरह होगी इसकी पॉलिटिक्स में ग्रैंड एंट्री। क्या कहते हो वकील? पियो पियो, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के नाम। आप सब जानते हैं, जब भैया जिंदा थे तो वो आप सबका ख्याल बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते थे। विजय कृष्णा ने उन्हें अपने भाई की शादी में बुलवा कर मरवाया और हम सबको अनाथ बना दिया। लेकिन घबराओ मत, अब मैं आप सबका ख्याल रखूंगा, आपके बारे में सोचूंगा, और अगर मुझे आपकी यूनियंस का साथ मिला तो पॉलिटिक्स में भी कूद पड़ूंगा। अगर आपने मुझे जिताया तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी यूनियंस के लिए लड़ूंगा, आपकी यूनियंस को बहुत ताकतवर बना दूंगा। भैया के जाने के बाद हम सब बिखरे नहीं हैं, हम सब एक हैं एक। मेरी बात सुनो शंकर, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या झगड़ा चल रहा है, पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर हमें कोई परेशानी होती तो हम काली भाई के पास जाते,
वक्त होता तो भाई खुद आते, वरना विजय कृष्णा को मदद के लिए भेजा करते थे। अब वो नहीं रहे तो तुम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। हर जगह ये अफवाह है कि विजय कृष्ण ने काली भाई का खून करवाया है। जब तक हमें सच का पता नहीं चलता, आप हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। शंकर जी, आपने अपना प्लान हमें बता दिया, हम जाकर अपने साथियों से इसके बारे में बात करेंगे। सबका जो फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। अब हम चलते हैं। ये साले तो डायलॉग मार कर निकल गए। आप ही के कहने पर मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की। ये तो साफ हो गया कि ये लोग तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं। अब ये लोग जाके सीधा विजय कृष्ण से मिलेंगे। तो अब चलो उठे यहां से, चलो। तुम सब में काशी कौन है? मैं हूं। शंकर भाई ने तुझे बुलाया है, जल्दी चल। शंकर के बुलाने पर मैं क्यों आऊं? ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हेलो, हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम सबका लीडर शंकर नहीं है, विजय कृष्णा है। जाके बोल दे उसे। अगर तुमने शंकर भाई का कहा नहीं माना तो कुत्ते की मौत करोगे तुम और तुम्हारा विजय भाई। यहां से निकल जाओ वरना छोड़ूंगा नहीं। शिवा, हम सब एक गैंग में थे, अब नहीं। हम लोग इस शहर में तुम्हारे टुच्चे भाई का राज नहीं चलने देंगे। मैंने कहा यहाँ से चुपचाप चले जाओ। भाई के मामले में टांग मत अड़ा, नहीं तो हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, चल जा। बुजुर्गों ने ठीक कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं। शंकर भाई को पता चला ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मार दे इसको। बाहर जाओ। शिवा, तुमने कॉलेज में शंकर के आदमियों को क्यों मारा? भैया, वो मेरे कॉलेज में आकर आपको भला बुरा कह रहे थे और आप पूछ रहे हैं मैंने उन्हें क्यों मारा? तुम्हें हम दोनों के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है शिवा, ये बात कान खोल कर सुन लो तुम। शिवा, हमारे पिता की मौत यूनियन के झगड़े की वजह से हुई थी। उस वक्त काली भाई ने ही मुझे सहारा दिया, उन्हीं की वजह से मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। उन्हें इज्जत देने के लिए मैं कभी उन्हें मना नहीं कर सका। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, पर तुम इस लफड़े में क्यों पड़ते हो? मैं मजबूर था शिवा, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, ये सब मैं संभाल लूंगा, समझ गए? अब जाओ। मैंने कहा था ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब तुम मार मार के उनकी खाल उधेड़ने में लगे। ये लोग अपनी जान दे देंगे पर तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देंगे। मेरी बात मान लो,
विजय ना बड़े आराम से इन सबको अपने कब्जे में कर लेगा और फिर हम लोग यहाँ बैठ के भजन कीर्तन करेंगे। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, लोग आके चढ़ावा चढ़ाएंगे। इन सब के साथ से ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। तुमसे तो बात करना दीवार से सर मारने जैसा है, ना कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो। अरे सोचो कुछ सोचो। मेरा भाई जब मेरे लिए सिर दर्द बना तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया, फिर ये विजय कृष्णा क्या चीज है? वो विजय कृष्णा यूनियंस के सामने हीरो बनने के सपने देख रहा है। उन्हीं यूनियंस के सामने मैं उसे अपनी असली ताकत दिखा कर रहूंगा। गुंडागिरी और पॉलिटिक्स रेल की दो पटरियों की तरह है, वो चलती तो जरूर एक साथ है पर कभी मिलती नहीं। अगर वो मिली तो ट्रेन नीचे गिर जाएगी। एक बात याद रखना, हर चीज का एक सही वक्त होता है। रमन जी देखते जाइए कैसे हिसाब चुकता करता हूं। भाई कल विजय कृष्णा कॉलेज स्टूडेंट को भाषण देने जा रहे हैं, पप्पू का फोन आया था। जाओ बॉबी को बुलाओ। इस तरह अचानक क्यों बुलाया? सुन बॉबी, मुझे तेरी मदद चाहिए। ये बताओ किसे लुड़काना है? इस बार तुझे लुड़काना है विजय कृष्णा को। क्या कहा? विजय कृष्णा को? बहुत मुश्किल है। साला मेरे लिए नासूर पर क्या है? शंकर तू उसे जानता नहीं है क्या? ना सिगरेट पीता है ना दारू पीता है, कॉलेज में स्पोर्ट्स में अव्वल आया करता था, चाकू लगने के बाद भी चीते की तरह भाग सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ उसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है, जो कहा है बस वो करो। शंकर भाई वो कोई बच्चा नहीं है, उसे मारना जितना आसान लगता है उतना है नहीं, वो अकेला ही हम जैसे 10-10 मुस्टंडों को ढेर कर सकता है भाई, ये रिस्क हम हरगिज़ नहीं ले सकते। कल कॉलेज में स्टूडेंट्स की मीटिंग है, कम से कम 1000 स्टूडेंट्स वहां आएंगे, मौका देखते ही काम को अंजाम दे दो। तो क्या बोलता भाई? अगर हम चाकू पर जहर लगाकर उसको मारें तो एक ही वार में उसका काम तमाम हो सकता है। फिर भी वो बच गया तो अपना राम नाम सत्य। तेरे भाई को मारने के पैसे भी तूने अब तक नहीं दिए, पहले वो दे उसके बाद सोचेंगे इसका क्या करना है। तूने उसे खत्म किया और तेरा सारा हिसाब चुकता। चल भाई काम पे लग गए। ये खून सिर्फ अपने माँ बाप और देश के लिए बहाना, ये इतना सस्ता नहीं है कि इसे ऐसे ही बहा दे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फीस भर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, किसी को लीडर बना के उसके नाम के नारे लगाने के लिए या झंझट में पढ़ने के लिए नहीं। कॉलेज में इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि तुम जीत कर बाकी स्टूडेंट्स की मुश्किलें आसान कर सको, उनके लिए कॉलेज में अच्छा माहौल बना सको जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। शंकर के आदमी तुम्हारी मदद से शहर के लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सारे बुरे काम तुम करो और उनका नाम कहीं ना, वो तुम्हारे भविष्य से खेल रहे हैं। मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था, मैंने भी तुम्हारी तरह कॉलेज में इस तरह की नौटंकी देखी है, पर मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ा। मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ ये बात समझने की कोशिश करो। अगर शंकर तुम्हें भड़काता है किसी धर्म का नाम लेकर, प्रांत का नाम लेकर, जाति या भाषा के नाम पर, तो उसकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आना, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारी परेशानियों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो दे Jindabad!
मुंबई अब तेरा। आदमियों ने मुझे बताया जिन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा उन लोगों ने मेरे भाई को भी मारा। मेरे आदमी उन्हें ढूंढने में लगे हैं। जिस दिन मुझे वो मिल गए एक साथ मिलकर मारेंगे उन्हें। एक और चीज, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा था वो मेरा दुश्मन था, उसके मरने के बाद हमारी दुश्मनी खत्म। मेरी कुछ भी मदद चाहिए तो आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, प्रॉमिस, एक भाई की तरह। देखो, मुझे मालूम है कि मेरे भाई को शंकर ने मारा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिना किसी प्लान के उस पर हमला करते हैं तो हम मारे जाएंगे। साला उसके साथ पुलिस वाले और मिनिस्टर्स भी मिले हुए हैं, सबके सब कमीने उसके इशारों पर नाच रहे हैं। तो अब हम क्या करें भाई, डर के मारे चूहे की तरह अपनी बिल में घुसे रहे? अभी जो कहा समझ में नहीं आया, बदला लेने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन हम ज्यादा देर चुप करें। एक बात समझ लो, हमें सही मौके का इंतजार करना है, और जिस दिन वो मौका हाथ आ गया उन सब की मैं बस करो। जिस किसी ने भी चूड़ियां पहनी हो वो यहां से चला जाए। शिवा, तुम इस सबसे दूर रहोगे, चलो अंदर जाओ। अगर उसके मारने से हम मर सकते हैं तो हमारे मारने से वो नहीं मर सकता। आप में भैया की मौत का बदला लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला। शिवा, अभी तुम छोटे हो, इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो? भैया, मरने और मारने की कोई उम्र नहीं होती। चाकू चलने से पहले किसी की उम्र नहीं पूछता।
मैंने इन आंखों से भैया की मौत देखी है। आप नहीं समझ सकते, शायद आपके अंदर का खून पानी हो चुका है। शिवा, वो लोग बहुत खतरनाक है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना भैया। जब ये बच्चा मारता है तो सामने वाला सीधा ऊपर मौत के डर से आग घर पर बैठ सकते हैं, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। भैया के कातिलों की चीखों से मैं शहर के हर घर को हिला कर रख दूंगा और उस दिन आपके सामने आऊंगा। तुम बस एक बार कहो, कॉलेज के 500 लड़कों को लेकर शंकर के घर में घुसकर उसका काम तमाम करेंगे। शिवा, उसे मारने से क्या फायदा होगा, बस एक और गुंडा खत्म हो जाएगा। गुंडागिरी खत्म नहीं होगी। जो अपने आप को शेर समझता हो, उसे उसके ही पिंजरे से बाहर निकालकर सड़क पर सुअर की तरह भगाया जाए और फिर उसके बाद उसका शिकार किया जाए, तो लोगों के दिल से शेर का खौफ निकल जाता है और शिकारी की दहशत बैठ जाती है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। उस साले शंकर को खत्म करके उसे लगता है मेरे भाई को मारकर वो बड़ा हीरो बन गया है। सबसे पहले मैं उसके दिल में खौफ पैदा करूंगा, ऐसा खौफ जिससे वो थर थर कांपने लगेगा। उसके बाद मैं उसे मारूंगा। क्या चल रहा है? अरे सिक्स पैक बनाने की कोशिश कर रहा है शिवा। तुम्हारे इन सिक्स पैक्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। ए शिवा, पटना से तुम्हारा पार्सल आया है, अंदर रखा है। ये तो घी लगता है। क्यों रे शिवा, अपने शहर में घी की क्या कमी थी जो तूने पटना के भैंसों को बेकार में तंग करके उनके दूध का घी मंगवाया? खोल के देख। कहा तो था घी है। अपना हाथ अंदर डाल। ये किस लिए? क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां भी तो मिलता है, फिर वहां से क्यों मंगवाया? ये तो देसी बंदूक है, सिंगल राउंड वाली। अगर हम भी इसी तरह खून करते रहेंगे तो हमें और शंकर में फर्क क्या रह जाएगा? पैसों के लिए किसी का खून करने वाले में और इंसाफ के लिए किसी का खून करने वाले में बहुत फर्क होता है। हम किसी और के नहीं, अपने दुश्मन को मारेंगे राजेश। ए शिवा, तेरी बड़ी भाभी आ रही है। ए, ये अंदर रख दे। तुम्हारे भैया तो चले गए, मैं भी मर गई हूं क्या? मुझे बताए बिना तुम घर से क्यों चले गए शिवा? वो क्या है ना भाभी, जय भैया और मेरी सोच नहीं मिलती, और मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हो। लेकिन बात यह है कि मैं भैया की मौत पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। मुझे ये डर है कहीं तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले बैठो। मेरी बात सुनो, तुम घर लौटो। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता भाभी। अगर मैं जल्दबाजी करता तो सीधा शंकर के घर चला जाता और या तो उसे मार देता या तो फिर उसके हाथों मेरी मौत हो जाती। अगर मैंने शंकर को आसान मौत दे दी तो भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप घर जाइए, काम खत्म करके मैं खुद घर आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। आओ जय कृष्णा, सब ठीक है ना? बहुत दिनों बाद दिखे तुम। हमें अकेले में कुछ बात करनी है। सॉरी जय कृष्णा, जब तुम्हारे भाई की मौत हुई तब मैं परदेश में था, इसीलिए अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया। अब क्या करने आए हो? देखो, मैं तुम्हारे और शंकर के दोनों के परिवारों के बहुत करीब हूं। अब तक तो तुम अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि मेरी तुम्हारे पास आने की वजह क्या है।
क्या वजह है? मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। खैर ठीक है, रहने दो, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। मैंने सुना है तुम्हारा छोटा भाई शंकर को मारने की तैयारी कर रहा है। तुम जितना सोचते हो वो उतना कमजोर नहीं रहा जय कृष्णा, उसके पीछे काफी बड़े बड़े लोगों का हाथ है। सुनो जय कृष्णा, तुम्हारे भाई के मरने के बाद शंकर और विजय के बीच की कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो गई। अपने भाई को समझाओ ना कि शंकर की मौत की प्लानिंग करने में बेकार अपना वक्त बर्बाद ना करें। शिवा इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि शंकर के गिरेबान तक पहुंच सके। देखो अब तुम अपने परिवार के मुखिया हो, उसे समझाने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता इस झंझट में तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। वो काफी समझदार है, मुझे नहीं लगता उसे समझाने में ज्यादा वक्त लगेगा। उसे कहो अपना दिमाग शांत रखे और जो हुआ सो भूल जाए। मैं ध्यान रखूंगा कि शंकर शिवा से दूर रहे। शिवा को संभालना अब तुम्हारा काम है। बोला वो जय कृष्णा। शंकर तुमने मुझसे जैसे कहा था मैं वैसा ही कह के आया हूं। डर से बौखलाया गया था, वो तुम्हारे रास्ते में फिर कभी आने की जरूरत नहीं करेगा। एक बात कहूं वकील, विजय कृष्णा मुझसे ज्यादा ताकतवर और हिम्मत वाला था। उसे जब भी देखता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता था। सोचता कि उसकी तरह क्यों नहीं हूं मैं। मेरे दिमाग में चढ़ गया था वो। जब भी वो आता तो मैं डर के मारे कांपने लगता। मैंने उसे मरवा दिया। उसका छोटा भाई शिवा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लाइन क्लियर हो गई। कहां से आ रही है भाभी? आप शिवा से मिलने गई थी ना? हाँ, तो क्या हो गया? अगर आपको किसी ने वहाँ आते जाते देख लिया ना, तो लोग समझेंगे कि आज भी हमारा शिवा के साथ संबंध है, और वो शंकर तुम्हारे पति की तरह मेरा सुहाग भी छीन लेगा, और मुझे भरी जवानी में तुम्हारी तरह। जय कृष्ण, क्या बकवास कर रही हो? अंदर जाओ। माफ कीजिए भाभी, ये पागल है। शिवा की वजह से मैं कहीं मुसीबत में ना पड़ जाऊं, इस वजह से डर रही है। भाभी अगली बार आप अगर शिवा से मिले तो उसे कहना कि वो चौकन्ना रहे। तुम्हें जितना लगता है वो अब उतना छोटा नहीं रहा है। वो जानता है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारा फर्ज बनता है उसे घर लेकर आने का। वो तुम्हारा छोटा भाई है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे होते वो इस घर में नहीं आएगा। एकदम चुप। तुम जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो मेरा भाई है। फैसला तो तुम्हें इस बात का लेना होगा कि तुम कहां रहना चाहती हो। जल्दी सोच लो। उस दिन तुमने जो कुछ कहा मैं समझ सकता हूं। अब मेरी बात सुनो, इस वक्त जो हालात है उनमें तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। भैया, मेरे यहां होने से सिर्फ मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मैं घर आ गया तो आप सबकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी, और ये मैं नहीं चाहता। खतरा हमारे परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। जिस दिन भैया ने अपने हाथ में चाकू उठाया हम सब खतरों के खिलाड़ी बन गए। अगर तुम भैया की थोड़ी भी इज्जत करते हो तो मेरे साथ घर चलो। क्या मैं अपने भाई के कातिलों को मारना नहीं चाहता? तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने अपने कदम पीछे हटाए, डर की वजह से नहीं। भैया तुम्हें इस खून खराबे से दूर रखना चाहते थे शिवा, पर मैं जानता हूं तुम्हारा फैसला क्या है। शिवा, मेरा भी एक फैसला तुम्हें सुनना होगा। हम जो करेंगे मिलके करेंगे, साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। हाँ
अब खुश है ना भाभी? तुम्हें जो करना है यहाँ साथ रहकर करो। अब से ऐसा ही होगा भाभी। क्यों शंकर, शहर जा रहे हो? हाँ, एक छोटा सा मैटर निपटाना है। इधर आ। इन छोटे मोटे मैटर्स पर दिमाग चलाना छोड़ दो, तुम लोग यहीं रुको। अगर कमिश्नर का दिमाग खिसका तो वो सरकारी बंदूक उठा के तुम्हारा किसी भी वक्त एनकाउंटर करवा सकता है। तो मैं एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया, परसों मिनिस्टर साहब पार्टी मीटिंग के लिए हमारे शहर आ रहे। अगर तुम मेरी बात मान के अपने सारे चेलों के साथ पार्टी मीटिंग में जाकर वहाँ धूम मचा दो तो मंत्री जी हिल जाएंगे। उसके बाद मैं दिल्ली जाके पार्टी ऑफिस में तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दूंगा। आ जा रहा शिवा, खत्म कर दो उसे, चूकना मत। कौन है यहाँ का? कोई बहुत बड़े गुंडा है? इतने सारे लोगों के साथ कहे आया है? आपसे मिलना चाहता है? हाँ? नमस्ते मिनिस्टर साहब, रमन जी ने मुझे यहाँ आपसे मिलने के लिए भेजा है। मेरा नाम शंकर है। ठीक है, मिलकर अच्छा लगा। काम का है? देखो अभी हम बहुत बिजी हैं, दिल्ली में हमारा पार्टी ऑफिस है, वहीं आओ वहीं बात करेंगे। ये हमारा खास मीटिंग है, तुम यहाँ से जाओ तो हम मीटिंग आगे बढ़ाए। प्लीज समझ में नहीं आता तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? सीधा साले को छाती में ठोकना मांगता था, उसका चैप्टर बंद हो जाता और अपना बदला भी पूरा हो जाता। अच्छा मौका गवा दिया तूने। मैंने जानबूझकर गलत निशाना लगाया। पर तूने ऐसा क्या? उसने इस पूरे शहर पर अपने नाम की दहशत और आतंक फैलाया हुआ है, और उसी शहर में उस पर हमला करके मैंने दिखा दिया कि उससे डरने की जरूरत नहीं। मेरे इस हमले के बाद अब वो डर डर कर जिएगा। वो समझ गया होगा कि कोई उसे मारना चाहता है, तब अपनी जान बचाता फिरेगा। अब मैं उसे तड़पा तड़पा शिवा, यहां बैठ जाऊं? बैठने के लिए तो रखा है। मेरा नाम सागर राजू है, इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। आज तुमसे खास बात करने आया हूं। जो कहना है जल्दी कहिए। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। समझ लीजिए मैं अकेला, कहिए क्या बात है। सुनो बेटा, ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आए थे, जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। मैं देश छोड़कर विदेश गया, वहां सड़कें धोई, गाड़ियां साफ की, पैसे पैसे जोड़ के अपनी शोहरत कमाई, और उन्हीं पैसों से वापस आकर मैंने यहाँ इंडस्ट्रीज खड़ी की। जानते हो क्यों? सिर्फ पैसा कमाकर मुझे अमीर नहीं बनना था, मैं अपने शहर की उन्नति भी चाहता था शिवा। लेकिन शंकर जैसे घटिया आदमी का मुंबई पर राज करना
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्र छोटी है, पर जिस तरह तुम अकेले ही बिना डरे डट के शंकर के सामने खड़े रहे, वो देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो बोलो बेटा, शंकर को मारने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़े वो मुझसे मांग लो। मेरे शातिर दिमाग की सोच, मेरी हिम्मत और पैसों की ताकत जब तुम चाहोगे तब तुम्हारे कदमों में होगा। शंकर को मारने के बाद ये मुंबई शहर मेरा हो जाएगा। क्या कहा? शंकर को मारने के बाद मुंबई शहर मेरा हो जाएगा। उस शंकर और मेरे बीच जो भी है, हमारी आपसी लड़ाई है। मैं अपने हिम्मत के दम पर उसका सामना कर रहा हूं, तुम जैसे लोगों के दिए पैसों की वजह से नहीं। जब मुझ जैसा शेर शंकर जैसे हाथी का शिकार करेगा, तब अगर तुम जैसा चूहा बेकार में अपनी टांग अड़ाएगा ना, तो वो हमारे पैरों के तले बेमौत मारा जाएगा। सुन बेटा, ऐसा नहीं है। तुम क्या हो, क्या करना चाहते हो और यहां मेरे पास किस लिए आए हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। शिवा, मुझ जैसे अनुभवी इंसान के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तुम यहां आए तो थे दो पैरों पर चलकर, लेकिन कुछ और कहा ना तो तुम्हें चार कंधों पर यहां से भेजूंगा। ले जाए इसे। चलता हूं शिवा। भाई, आप पर गोली चलाने वाला जय कृष्ण का भाई शिवा था। तुम्हारे सामने मुझे गोली मारी और तुम लोगों ने उसे जिंदा बचकर जाने दिया, अब तक उसे मारा क्यों नहीं? उस पर हमला करना इतना आसान नहीं, पूरे एरिया में और उसके घर के आसपास सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई। और तो और, वो एक एक करके हमारे आदमियों को कुत्ते की मौत मार रहा है। अगर तुम उसके घर नहीं घुस सकते शंकर, तो फिर क्यों ना उस कमीने को यहां बुला के ठिकाने लगाया जाए। क्या कहते हो वकील? हट जा! ये तो शंकर की आदमी है। गीता, मेरे ख्याल से आज के बाद हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। क्यों? वो शंकर के आदमी मेरे जान के पीछे पड़े हैं, बेवजह तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे रहते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, टेंशन मत लो। गीता, वो लोग गुंडे हैं, मेरे साथ जो दिखेगा उसे मार देंगे। भूल गए शिवा, मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। बचपन से मैंने बहुत गुंडे देखे हैं, शंकर जैसे गुंडों से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे बॉडीगार्ड बना लो, मैं सैलरी भी नहीं लूंगी, सिर्फ चॉकलेट से काम चला लूंगी। ये बताओ, तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है? मेरी लिस्ट? उससे तुम्हें क्या? ये देखना चाहती हूँ कि तुम में कितना दम है या सिर्फ दिखावा ही है। ए, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हेलो, क्या कहा? राजेश का एक्सीडेंट हो गया, चलो।
ऑपरेशन थिएटर किस तरफ है? फर्स्ट फ्लोर पे। आंटी राजेश को क्या हुआ? मैं आज सुबह गांव से वापस आ रही थी, तभी मुझे फोन आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ पता नहीं है, कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरा इकलौता सहारा है, उसे बचा लो। अब ये लुका छिपी का खेल बंद करना होगा, आज और अभी से। अगर हमें उनका कोई भी आदमी नजर आए तो उसे वहीं के वहीं खत्म कर दो और उसकी हड्डियां कुत्तों को खिला दो। ये जरूरी नहीं कि हम कितनों को मारें, बस ये जरूरी है कि हम उन्हें कितना तड़पा तड़पा के मारें। आज फैसला होगा, या तो इस शहर का कल का सूरज हम देखेंगे, या फिर आज की शाम उनके जिंदगी की आखिरी शाम।
ऐसे सर झुकाए क्या बैठे हो? जाओ शिवा से बात करो, उससे कहो कि मांडवाली कर ले। ए शिव कृष्ण, तेरा दिमाग खराब हो गया है? उससे पंगा लेगा तो बेमौत मारा जाएगा। रख ले तू अपनी सोच। शिवा! ये शहर मेरा है। शंकर तू तो गया। गीता, डैडी, कितनी बार समझाए तुमको फिर भी वो शिवा के साथ घूम रही हो? है? वो शिवा किसी पुलिस वाले के हाथों कुत्ते की मौत मरने वाला है और तुम उसे प्यार करती हो? है? तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। लानत है तुम जैसे औलाद पर। एक बात सुन लो, अगर आइंदा कभी भी उस लफंगे शिवा के साथ तुमने किसी भी तरीके का संबंध रखा ना, उसका एनकाउंटर कर दूंगा। गीता, एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी को प्यार करने से रोके तो वो गुनाह होगा, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या हुआ मंत्री जी, काहे नाराज हो रहे हैं? शांति रखिए। ए रमनवा, बार बार हमें मीटिंग में परेशान नहीं ना कीजिए। अब फोन रखा। छी 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 छी, तो साले 25 साल के लौंडे ने सरे आम तुम्हें गोली मार दी और सबके सामने ऐसे ऐसे निकल गया जैसे यहाँ उसके बाप का राज है। और मंत्री ने कहा जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो पार्टी के लिए क्या करेगा, और ये बात उन्होंने हाईकमान के सामने गोल गोल घुमा के कह दी। ये सब बाद में करना। तुम्हें क्या लगता है, शिवा इसके बाद भी चुप बैठेगा? वो हर रोज एक गुंडे को मार रहा है ताकि लोगों में खौफ बैठ जाए और कोई गुंडा बनने के बारे में सपने में भी ना सोचे। अरे सब के बावजूद वो साला आज सबकी नजर में एक हीरो बन गया है। याद रखो शंकर, अगर तुमने जल्दी उसका कुछ नहीं किया तो तुमसे कह देता हूं तुम मारे जाओगे। मुझे नादान समझा है क्या? वो कब बाहर निकलेगा? उसके साथ कितने लोग होंगे? उसका अगला निशाना कौन होगा? वो अपना प्लान कहां पूरा करेगा? उसके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे एक छोटी सी जानकारी भी नहीं मिल रही है उसके बारे में। वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। मैंने उसे मारने के लिए आदमियों की फौज भेजी, कोई उसे छू तक नहीं पाया। अगर मुझे उसके बारे में कहीं से छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, मैं उसके दो टुकड़े कर दूंगा, बीच से काट दूंगा और उसके टुकड़ों को नदी में फेंक दूंगा। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? सर वो क्या है कि आपके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है। केस? मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ केस कौन कर सकता है? आपकी बेटी ने सर। मेरी बेटी मेरे खिलाफ क्या केस कर सकती है? सर सेक्शन 506 और 509 के तहत केस फाइल किया गया है। आप उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से रोकते हैं, वो अब बालिग हो चुकी है, और यही कि आप उसकी आजादी छीन रहे हैं, उसे कहीं आने जाने से जबरदस्ती रोकते हैं और तो और उसे मारने की धमकी भी देते हैं। केस शीट में उसने यही लिखवा है सर। FIR दाखिल किया क्या? अभी तक नहीं सर। गीता, ये
ये सब क्या नाटक है? ये कोई नाटक नहीं है, आपके खिलाफ केस कर रही हूँ। एक सड़क छाप गुंडे के लिए अपने बाप पर केस कर रही हो? पागल हो गए हो तुम? ऐसे आदमी से प्यार करना जिससे आप नफरत करते हैं अगर पागलपन है तो मैं पागल हूँ। वेट लग ले, शिवा एक नंबर का गुंडा है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आपके कुछ भी कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसकी गुंडागर्दी से मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे पुलिस वाले की हैसियत से या एक पिता की हैसियत से रोकेंगे तो भी मैं हरगिज़ नहीं रुकूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूं, केस वापस घे यानी चुपचाप घर जा। डैड, मैं आपकी कोई कैदी नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगी। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, देश के संविधान ने भी प्यार करने का हक दिया है और उस हक को आप छीन नहीं सकते। कमिश्नर साहब, आपसे जो बन पड़े कर लीजिए, शिवा जहां होगा मैं भी वहीं रहूंगी। डैडी, ये लीजिए आपके घर की चाबियां। देखो उस बॉबी पर कड़ी नजर बनाए रखना। भाभी, अगर मैं आपके साथ आपके घर आकर रहूं तो क्या आपको कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम हमारे साथ रह सकती हो गीतांजलि। जय भैया, इसमें आपको कोई दिक्कत? अरे मुझे कैसी दिक्कत, मजे से रहो। चाहे आपका ये गुंडा भाई मुझे अपनाए या नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यही रहूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा से डरकर कहीं मेरे कदम डगमगा ना जाएं, यही सोच रहे हो ना तुम? मैं वादा करती हूं तुम्हारे सिवा किसी से नहीं डरूंगी। चेंज होए के साथ साथ तेरी सवारी भी चेंज हो गई। अपने टैलेंट से मैंने ढेर सारा पैसा कमाया और ये 10 करोड़ की कार खरीदी। पर ये सिक्योरिटी का है? ये सब मेरे लिए नहीं, मेरे दिमाग में पल रहे स्केचेस के लिए। अरे इनकी बंदूक से क्या होगा, तू हेलमेट पहना करना। मत बन, चोक मारा तो फोक दूंगा। समझावा। अच्छा ये बात तो बतावा, इतने अमीर कैसे बन गए? विजय कृष्णा का स्केच बना के मेरा लेवल जमीन से आसमान तक पहुंच गया। विजय कृष्ण का खून तुमने किया? शांत रहो, इसने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। कूल कूल सुन रहे सीमेंट वाले, सिर्फ विजय कृष्ण नहीं, इस शहर में हर गुंडे के लुढ़कने के स्केच मैं ही बनाता हूँ। उनकी जिंदगी मेरी वजह से ही खत्म होती है, समझे बुढ़वक? चलो जाना। कहा है शंकर भाई ने तुम्हें घर में बुलाया? शंकर क्या चीज है, मेरे लिए यमराज को भी वेटिंग रूम में वेट करना होगा। ये स्केच गोपी अपनी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जाता। कैरेक्टर से बड़ा डायलॉग मारता है, चुपचाप चल। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, जो चाहो खा लो। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर कोई स्केच बनवाना है तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, कदमों में गिर जाना चाहिए या दोनों हाथ जोड़ के मुझसे भीख मांगनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा? सुन लो गोपी, मैं हूँ स्केच गोपी। मेरे स्केच ने घुमा दी बड़े बड़ों की टूपी। मैंने तुम्हारे आदमियों ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की, जानते हो मैं कौन हूँ? काली के खून का स्केच मैंने ही बनाया था, उस विजय कृष्णा की मौत का स्केच भी मैंने अपने ही हाथों से बनाया था। मुन्ना, इस शहर में शिवा जो भी कत्ल करता है उसके पीछे मेरे ही स्केच का कमाल है। स्केच करके ये बात सिर्फ मैं बता सकता हूँ कौन किस जगह और कितने बजे टपकेगा। मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी का इस शहर में होना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। लोगों के लिए मैं स्केच बाबा हूँ, वो मेरी पूजा करते हैं। तुम्हें मुझसे स्केच बनवाना है ना, तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम बदतमीज कहीं के। ए, इनके लिए पेपर और स्केच पेन लेकर आ। स्केच पेन नहीं सर, पेपर लेके आओ, पेन सिर्फ अपना यूज करता हूँ। ये शिवा मेरे अगले आदमी को कैसे मारेगा, ये स्केच बना कर दिखा मुझे। नो, मुझे गन दिखा रहा है, मैं डरता नहीं पर बना देता हूँ।
ये वाटर टैंक रोड शिव कृष्णा के आदमी एक आदमी के पीछे पड़े हैं। वो आगे भाग रहा है, ये पीछे भाग रहे हैं। एक सेंटर में एक बड़ा सा आंगन है, पीछा करते करते वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहीं दूसरे रास्ते से और भी आदमी आ जाते हैं और मिलकर उसका पीछा करते हैं। लेकिन वो रुकता नहीं, भागता जाता है, तेज भागता है, लेकिन आगे जाके गिर जाता है। और उसी समय शिवा की एंट्री, ठका 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 साउंड इफेक्ट्स। आदमी एक कुल्हाड़ी लेता है और एक जोरदार बात, वो आदमी तड़प तड़प के उसी जगह पे दम तोड़ देता है। यह है मेरे दिमाग का कमाल भाई। शिवा ने वाटर टैंक रोड पर हमारे आदमी को मार डाला। मैंने तो पहली बार स्केच बनाया और सच में कोई मर गया। मरा भी तो इसी का आदमी। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गोपी जी, अब तक मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था। अच्छा है? अब देख भी लिया। क्या देखा? तुम तो सच में तोप निकले। सही में? मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर चलते हैं। अंदर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ बाहर सब मर्द ही तो है। स्केच को अकेले में बनाना चाहिए। अच्छा? चल। सुसु निकल गई। अंदर बाथरूम है ना? अंदर है। हाँ। साबुन भी है। सब कुछ है। मेरी माँ घर में अकेली है सर। कोई बात नहीं, एक दिन थोड़ा लेट घर चले जाना। वो मेरे बिना खाना नहीं खाएगी। उन्हें यहीं बुला लो। बीवी इंतजार कर। अरे बीवी की फिक्र मत करो, हम है ना उसे संभाल लेंगे। आप मामा बनने वाले हैं। मैंने सुना है वो साला शिवा कमिश्नर की बेटी से शादी करने वाला है। अरे अपने को उसकी शादी से क्या लेना है, अपने को तो सिर्फ उसे ऊपर पहुंचाना है। अबे लेकिन उसको टपकाना हलवा है क्या? शंकर के आदमियों को एक एक करके मारने के बाद उसकी पावर और बढ़ गई है। 24 घंटा उसके आसपास पहरा रहता है। हमें उसे मारने के लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद तुझे ये मौका दे रहा हूं। अकेला आया हूं। लेकिन मैं गोली मारकर तुम तीनों को आसान मौत हरगिज नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। जज्बाती होना पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। मेरा दिमाग खराब था, उससे अच्छा तो मैं उस शिवा से पॉलिटिक्स में ले आता। मैं ही साला पागल हो गया था। तुम किसी काम के लायक नहीं हो।
देखो शिवा, माना कि गीता अपने डैडी से झगड़ा करके यहाँ आई है, पर है तो वो उसके डैड। शादी दो लोगों का नहीं तो परिवारों का मिलन है, इसलिए उसमें सबकी खुशी शामिल होनी चाहिए। मैं और भाभी जाकर उसके डैडी से बात करते हैं। आपको लगता है वो समझ जाएंगे? हमारी और उनकी कोई ज्याती दुश्मनी नहीं है शिवा, उन्हें बस हमारा काम पसंद नहीं है। एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं। थैंक्स भैया। अच्छा, तुम मुझे थैंक्स बोलोगे? तुम सबसे छोटे हो शिवा, और फिर भी तुमने परिवार के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। शिवा हट जाओ। भैया,
पैदा होते ही गुंडा नहीं बनता, उसकी परवरिश या फिर हालात उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर कर देते हैं। जनता की सेवा और रक्षा के लिए सरकार बनाई जाती है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब सिस्टम को फिर से पटरी पर लाने के लिए किसी बेहद ताकतवर शख्स की जरूरत पड़ती है। अब आप चाहें तो ऐसे शख्स को अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। कानून की नजर से देखें तो एक गुंडा, या फिर आम आदमी को इंसाफ दिलाने वाला एक रक्षक। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।